श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिया तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए। तब भगवान, जो साक्षात सहस्रशीर्ष अवतार हैं, गरुड़ पर सवार होकर अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुवन गए। जब ध्रुव महाराज अपने गहन योगाभ्यास के समय उस विद्युत के समान दीप्त रूप के ध्यान में खो गए, जिसका वर्णन भगवान के रूप में किया जाता है, तो अचानक वह रूप गायब हो गया। परिणाम स्वरूप ध्रुव महाराज बहुत परेशान हुए और उनका ध्यान भंग हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने अपने सामने प्रभु को उसी रूप में प्रत्यक्ष देखा जैसा कि वे अपने हृदय से देख रहे थे। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने सामने देखा तो वे बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने उन्हें नमस्कार किया और सम्मान दिया। वे उनके सामने एक छड़ी की तरह गिर पड़े और ईश्वर के प्रेम में लीन हो गए। ध्रुव महाराज खुशी में भगवान को इस तरह देख रहे थे मानो वे उन्हें अपनी आंखों से पी रहे हों, उनके कमल जैसे चरणों को अपने मुंह से चूम रहे हों और उन्हें अपनी बाहों में भर रहे हों। यद्यपि ध्रुव महाराज एक छोटे लड़के थे, परंतु वे उपयुक्त शब्दों में भगवान की स्तुति करना चाहते थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने आप को संभाल नहीं सके। भगवान, जो प्रत्येक हृदय में वास करते हैं, ने ध्रुव महाराज की दशा को समझ लिया। अतः अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के माथे पर अपना शंख छू लिया। उस समय ध्रुव महाराज ने वैदिक मत की पूर्ण रूपेण समझ प्राप्त की और ईश्वर के साथ उनके साथ ही समस्त जीवों के साथ उनके संबंध को समझ लिया। भगवान की सेवा भक्ति के अनुसार ध्रुव ने, जो कि शीघ्र ही एक ऐसा लोक पाने वाले हैं जिसका कभी विनाश नहीं होगा, यहाँ तक कि प्रलय काल में भी नहीं, अपनी सोच समझ कर निश्चयात्मक स्तुति की। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप मेरे हृदय में प्रवेश कर मेरे अंदर सोई हुई सभी इंद्रियों, हाथ पैर कान स्पर्श ज्ञान जीवन शक्ति और विशेष रूप से मेरी वाणी की शक्ति को जागृत कर दिया है। मैं आपको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप सर्वोच्च हैं, लेकिन अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण आप आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में अलग अलग रूपों में प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बाहरी शक्ति से भौतिक दुनिया की सारी ऊर्जा पैदा करते हैं और फिर सृजन के बाद परमात्मा के रूप में भौतिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। आप परम ब्रह्मा हैं और प्रकृति के क्षणिक स्वरूपों के माध्यम से अलग अलग अभिव्यक्तियां बनाते हैं, उसी तरह जैसे आग विभिन्न आकार की लकड़ी के टुकड़ों में प्रवेश करके अलग अलग तरीकों से चमकती हुई जलती है। हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से तुम्हारे शरणागत हैं। आरंभ में तुमने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर अपने दैनिक कार्यों को समझने लगता है। तुम मुक्तिकामी समस्त पुरुषों के अकेले सहारे और समस्त तकलीफों से ग्रस्त लोगों के सच्चे मित्र हो। अतः पूर्ण ज्ञान से भरे विद्वान तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? इस चमड़े के थैले शरीर के सुख के लिए आपकी पूजा करने वाले लोग आपकी माया के प्रभाव में हैं। आपके जैसा कल्प वृक्ष और जन्म मृत्यु से मुक्ति का कारण होते हुए भी मेरे जैसे मूर्ख आपसे ऐसी इच्छा पूर्ति के लिए आशीर्वाद चाहते हैं जो नरक में रहने वाले लोगों को भी मिल जाती है। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या निष्कलंक भक्तों से आपके महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं ज्यादा है। ब्रह्मानंद में मनुष्य स्वयं को निर्गुण ब्रह्म के साथ एकीकृत मानता है। चूंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है, तो स्वर्ग तक पहुँचने वाले उस अस्थायी आनंद की क्या बात करें जो काल की तलवार से नष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग क्यों न पहुंच जाए, काल के साथ वो नीचे गिर जाता है। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे लगातार बहती रहती हैं। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मषरहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्तियोग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ जिनका अस्तित्व शाश्वत है।
हे कमलनाथ प्रभु, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त से जुड़ता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लीन रहता है, तो वो कभी भी अपने भौतिक शरीर के प्रति मोहित नहीं होता और न ही संतान, मित्र, घर, धन और पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकतावादी पुरुषों के लिए बहुत ही प्रिय है। वास्तव में वो उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। हे प्रभु, हे सर्वोच्च अप्रकट, मैं जानता हूँ कि सारे ब्रह्मांड में तरह तरह की जीव योनियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि पशु, वृक्ष, पक्षी, रेंगने वाले जीव, देवता और मनुष्य, जो कुल भौतिक ऊर्जा से उत्पन्न हुई हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ये कभी प्रकट तो कभी अप्रकट होती हैं, लेकिन मैंने ऐसा पराकाष्ठा रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अभी मैं आपको देख रहा हूँ। अब विचारों को तर्क करने की सारी पद्धतियाँ समाप्त हो गई हैं। हे प्रभु, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गरुड़नाथ पद्मनाभ अपने पेट में पूरे ब्रह्मांड को समा लेते हैं। वे शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं, उनकी नाभि से एक डंठल में से सुनहरा कमल पुष्प फूट निकलता है और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। मैं समझ गया हूँ कि आप वही परम पुरुष हैं, अतः मैं आपको बारंबार सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने अखंड दिव्य चितवन से बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं, आप शुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदा भिन्न रहते हैं। विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। हे प्रभु, आपके ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप में हमेशा 2 विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान और अज्ञान। आपकी अनेक शक्तियां लगातार प्रकट होती रहती हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म, जो अविभाज्य, मूल, अपरिवर्तनीय, असीमित और आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। क्योंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म है, इसलिए मैं आपको अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, हे सर्वोच्च ईश्वर, आप सभी आशीर्वादों के परम साक्षात रूप हैं। इसलिए जो कोई भी बिना किसी अन्य इच्छा के आपके भक्ति सेवा में निवास करता है, उसके लिए राजा बनना और एक राज्य पर शासन करना आपकी कमल चरणों की पूजा करने से अच्छा नहीं है। आपकी कमल चरणों की पूजा का यही वरदान है। मेरे जैसे अज्ञानी भक्तों के लिए आप कारणहीन रूप से दयालु पालक हैं, एक गाय की तरह, जो नवजात बछड़े की देखभाल दूध पिलाकर और उसे हमले से बचाकर करती है। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज, जो अपनी अंतरात्मा में अच्छे विचारों से पूर्ण थे, ने अपनी प्रार्थना पूरी की तो अपने भक्तों और सेवकों पर अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई दी, इस प्रकार कहते हुए। भगवान बोले, हे राजा के बेटे ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारे दिल की इच्छा भी जानता हूँ। हालांकि तुम्हारी इच्छा बहुत ही बड़ी और मुश्किल से पूरी होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें इसे पूरा करने का वरदान दूंगा। तुम्हें सदा कल्याणकारी हो। भगवान आगे कहते हैं, हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक चमकता हुआ ग्रह दूंगा, जो कल्पांत में होने वाली प्रलय के बाद भी मौजूद रहेगा। अभी तक उस ग्रह पर किसी का शासन नहीं है और वो सभी सौर मंडल, ग्रहों और नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश के सभी ज्योतिषी इसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बैल अनाज को पीसने के लिए एक केंद्रीय खंभे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो अन्य तारों के नष्ट हो जाने के बाद भी मौजूद रहता है। जब पिताजी जंगल जाएंगे और राज्य का शासन तुम्हारे हाथ में दे देंगे, तो उसके बाद तुम लगातार 36,000 वर्ष तक पूरी दुनिया पर राज करोगे और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही सशक्त बनी रहेंगी जितनी की आज हैं। तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। भगवान ने आगे कहा, भविष्य में एक दिन तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा और जब वो शिकार में मग्न होगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। तुम्हारी विमाता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल हो जाएगी और उसकी तलाश में जंगल में जाएगी, परंतु वहां वो जंगल की आग में जलकर मर जाएगी। भगवान ने कहा, मैं सब यज्ञों का हृदय हूँ। तुम बहुत से बड़े बड़े यज्ञ करोगे और खूब दान भी दोगे। इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख भोग सकोगे और अपनी मृत्यु के समय भी मुझे याद कर सकोगे। भगवान ने आगे कहा, हे ध्रुव,
इस देह में अपने भौतिक जीवन के बाद तुम मेरे लोक में जाओगे, जहां सभी अन्य लोकों के निवासी सदैव पूजा करते हैं। ये सप्त ऋषियों के लोकों से ऊपर स्थित है, और वहां जाने के बाद तुम्हें इस भौतिक दुनिया में फिर कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। मैत्रेय मुनि ने कहा, बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजा किए जाने और उन्हें अपना स्थान देने के पश्चात भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव महाराज के देखते ही देखते अपने धाम वापस चले गए। भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनवांछित फल प्राप्ति के पश्चात भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। तब वे अपने घर को वापस चले गए। श्री विदुर ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल और कृपालु भगवान केवल उसी से ही प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया और वे थे भी बहुत ही बुद्धिमान और विवेकी, तो फिर भी वे प्रसन्न क्यों नहीं थे? मैत्रेय ने उत्तर दिया, ध्रुव महाराज का हृदय, जो अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों के बाणों से घायल हो चुका था, बहुत दुखी था। इस प्रकार जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वो उसके दुर्व्यवहारों को नहीं भूल सके। उन्होंने इस भौतिक दुनिया से वास्तविक मुक्ति की मांग नहीं की, बल्कि अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो वो अपने मन में पनप रही भौतिक मांगों के लिए बस लज्जित थे। ध्रुव महाराज मन ही मन विचार करने लगे, भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित होने का प्रयास कोई साधारण कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन जैसे महान ब्रह्मचारियों ने, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, उन्होंने भी अनेक जन्मों के पश्चात ही भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त की। मैंने तो केवल 6 महीनों में ही वो फल प्राप्त कर लिया, परंतु फिर भी मैं भगवान से भिन्न सोच के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूँ। हाय, जरा सोचो, मैं कितना दुखी और नासमझ हूँ। मैं उस परमेश्वर के चरणों में पहुँच गया था जो जन्म मरण के चक्र को तुरंत काट सकते हैं, लेकिन मूर्खतावश मैंने उनसे ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना की जो नष्ट हो जाने वाली हैं। चूंकि उच्च लोकों में स्थित सभी देवताओं को दोबारा नीचे आना पड़ेगा, इसलिए भक्ति द्वारा वैकुंठलोक प्राप्त करने के मेरे प्रयास पर वे सभी ईर्ष्या करते हैं। इन असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है और एकमात्र इसी कारण से मैं नारद मुनि के उपदेशों का असली आशीर्वाद स्वीकार नहीं कर सका। ध्रुव महाराज ने पश्चाताप करते हुए कहा कि मैं मायावश था, वास्तविकता से अनजान होने के कारण मैं उसकी गोद में सोया रहा। द्वैत दृष्टि के चलते मैं अपने भाई को शत्रु मानता रहा और झूठे ही यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। भगवान को प्रसन्न करना अति कठिन है, परंतु मैंने समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा को प्रसन्न करके भी बिना उपयोग की वस्तुओं की ही याचना की। मेरे कर्म बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे पहले से ही किसी मृत व्यक्ति का उपचार किया जा रहा हो। देखिए, मेरा दुर्भाग्य, जन्म और मृत्यु की श्रृंखला काटने में सक्षम परमेश्वर से साक्षात्कार कर लेने पर भी मैंने पुनः उन्हीं परिस्थितियों के लिए प्रार्थना की। पूर्णतः अपनी मूर्खता और पुण्य की कमी के कारण भगवान के निजी सेवा को अस्वीकार कर भौतिक नाम, यश और संपन्नता की कामना की थी। ऐसी ही स्थिति उस गरीब व्यक्ति की थी जिसको महान सम्राट ने प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए कहा तो उसने अज्ञानतावश केवल चावल के कुछ टुकड़े मांगे। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, तुम जैसे लोग जो मुकुंद मुक्ति प्रदाता भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हो और उनके चरण कमलों में भौरों की तरह आसक्त रहते हो, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा में ही प्रसन्नता का अनुभव करते हो। ऐसे लोग जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी भौतिक संपन्नता की मांग नहीं करते। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के बाद दोबारा जिंदा होकर लौट रहा हो, तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ। उसे इस बात पे शक था कि आखिर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को अभागे मानता था और सोचता था कि उसे इतना सौभाग्य कहां से नसीब हो सकता है। यद्यपि वो दूत के शब्दों पर विश्वास नहीं कर सका, लेकिन महर्षि नारद के वचन पर उसका पूरा यकीन था, इसलिए वो इस खबर से बहुत ज्यादा भावुक हो गया और खुशी के मारे उसने तुरंत संदेशवाहक को एक बहुत ही कीमती हार भेंट कर दी। अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने को उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले स्वर्णजटित रथ पर सवार हुआ।
वो अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मणों, अपने परिवार के श्रेष्ठ व्यक्तियों, मंत्रियों, अधिकारियों और अपने मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर निकल पड़ा। जब वो इस दल के साथ यात्रा कर रहा था, तब शंख, दुंदुभी, वंशी और वेद मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी। राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि और उनका दूसरा पुत्र उत्तम भी स्वागत यज्ञ में दिखाई दे रहे थे। रानियां पालकी में बैठी हुई थीं। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को पास के एक वन में आते हुए देखकर झट से अपने रथ से उतर गए। वे बहुत समय से अपने बेटे ध्रुव को देखने के लिए उत्सुक थे, इसलिए बड़े प्यार और स्नेह से अपने लंबे समय से बिछड़े बेटे को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। गहरी सांस लेते हुए राजा ने उन्हें दोनों बाहों में भर लिया। लेकिन ध्रुव महाराज पहले जैसे नहीं थे। भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति होने के कारण वे पूरी तरह से पवित्र हो चुके थे। ध्रुव महाराज से पुनर्मिलन होने से राजा उत्तानपाद की लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी हो गई। इस कारण उन्होंने बार बार ध्रुव का सिर सूंघा और अपने ठंडे आंसुओं की धाराओं से उन्हें नहला डाला। तदुपरांत श्रेष्ठ सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में नमन किया और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों में अपना सिर झुकाया। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने देखा कि भोला भाला बालक उनके चरणों में झुक रहा है। उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया, अपनी बाहों में भर लिया और भाव विभोर होकर आशीर्वाद दिया कि मेरे प्यारे बालक, तू सदा जीवित रहे। जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार पानी स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार परमेश्वर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले व्यक्ति को, जिसके अंदर दिव्य गुण हैं, सभी जीव सम्मान देते हैं। उत्तम और ध्रुव महाराज दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साथ आंसू साझा किए। वे प्यार और स्नेह के एहसास से भर उठे और जब उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया तो उनके रोम खड़े हो गए। ध्रुव महाराज की अपनी असली माता सुनीति ने अपने पुत्र के नाजुक शरीर को गले लगा लिया, जो उसे अपने जीवन से भी ज्यादा प्रिय था। इसलिए वो अपने भौतिक दुखों को भूल गई और बहुत खुश हो गई। हे विदुर, सुनीति एक वीर पुरुष की जननी थी। उनके आंसुओं और दूध के मिश्रण ने ध्रुव महाराज के शरीर को नहला दिया। ये बहुत शुभ संकेत था। राजमहल के निवासियों ने रानी से कहा, हे महारानी, आपका प्यारा बेटा लंबे समय से खोया हुआ था। आप भाग्यशाली हैं कि वो अब वापस आ गया है। ऐसा लगता है कि वो लंबे समय तक आपकी रक्षा करेगा और आपके सभी सांसारिक दुखों को दूर कर देगा। हे महारानी, आपने अवश्य ही उस परमेश्वर की आराधना की होगी जो अपने भक्तों को महान खतरों से मुक्ति दिलाता है। जो लोग लगातार उनका ध्यान करते हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे चले जाते हैं। इस पूर्णता को प्राप्त करना बहुत कठिन है। मैत्रेय मुनि ने फिर कहा, है विदुर, जब सभी लोग इस प्रकार ध्रुव महाराज की प्रशंसा कर रहे थे तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ध्रुव और उनके भाई को एक हथिनी की पीठ पर सवार किया। इस तरह वह अपनी राजधानी लौट आया, जहां सभी वर्ग के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। पूरा नगर केले के उन स्तंभों से सजाया गया था जिन पर फूलों और फलों के गुच्छे लटके हुए थे और इधर उधर पत्तियों और टहनियों से युक्त सुपारी के पेड़ दिखाई दे रहे थे। ऐसे कई तोरण भी बनाए गए थे जो मगरमच्छ के आकार के थे। हर द्वार पर जलते हुए दीपक और रंग बिरंगे कपड़े, मोतियों की माला, फूलों की माला और लटकती हुई आम की पत्तियों से सजे हुए बड़े बड़े पानी के बर्तन रखे हुए थे। राजधानी में अनेक महल, नगर द्वार और परकोटे थे जो पहले से ही बहुत सुंदर थे, लेकिन इस अवसर पर उन्हें सुनहरे आभूषणों से सजाया गया था। शहर के महलों के गुंबद तो चमक ही रहे थे, साथ ही शहर के ऊपर मंडराने वाले खूबसूरत हवाई जहाजों के सिरे भी। शहर की सभी चौकें, गलियां, रास्ते और चौराहों पर स्थित ऊंचे बैठने की जगहों को अच्छी तरह से साफ करके चंदन जल छिड़का गया था। साथ ही पूरे शहर में शुभ अनाज जैसे धान और जौ, फूल, फल और कई अन्य शुभ सामग्रियां बिखेरी हुई थीं। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज मार्ग पर चल रहे थे तो आस पड़ोस की सभी भद्र महिलाएं उन्हें देखने के लिए एकत्र हुईं और वात्सल्य भाव से उन पर सफेद सरसों, जौ, दही, जल, दूध, फल और फूल बरसाने लगीं। साथ ही उन्हें अपना अपना आशीर्वाद भी दिया।
इस तरह ध्रुव महाराज महिलाओं द्वारा गाए गए मनोहर गीत सुनते हुए अपने पिता के महल में प्रवेश कर गए। इसके पश्चात ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में रहने लगे, जिसकी दीवारें मूल्यवान मणियों से युक्त और अत्यधिक सजावटी थीं। उनके पिता ने उनका विशेष ध्यान रखा और वे उस महल में ठीक उसी तरह रहने लगे जैसे देवतागण अपने स्वर्गलोक के प्रासादों में रहते हैं। महल की शयनशैया दूध के फेन के समान सफेद और बहुत मुलायम थी। उसके भीतर की पलंगे हाथी दांत की थीं, जिन पर सोने की कारीगरी की गई थी। कुर्सियां, बेंच और अन्य बैठने की जगहें और सामान सोने से बने थे। राजा का महल संगमरमर की दीवारों से घिरा हुआ था, जिन पर अनमोल मरकत मणियों की नक्काशी की गई थी। इन दीवारों पर सुंदर स्त्रियों जैसी मूर्तियां भी बनाई गई थीं, जिनके हाथों में चमकते हुए मणियां थीं। राजा का निवास स्थान बगीचों से घिरा हुआ था, जिसमें स्वर्गीय ग्रहों से लाए गए विभिन्न प्रकार के पेड़ थे। उन पेड़ों पर मीठे गीत गाते पक्षियों के जोड़े और लगभग पागल भौरे थे, जो बहुत ही मनभावन मधुर ध्वनि करते थे। बावियां में पन्ना सीढ़ियां थी, जो विविध रंग के कमल और कुमुदिनियां, हंस, कारंडव, चक्रवाक, सारस और अन्य कीमती पक्षियों से युक्त झीलों तक जाती थी। धार्मिक प्रवृत्ति वाले राजा उत्तानपाद ने जब ध्रुव महाराज के प्रशंसनीय कार्यों के बारे में सुना और स्वयं भी देखा कि वे कितने प्रभावशाली और महान थे, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि ध्रुव महाराज के कार्य अत्यंत विस्मयकारी थे। फिर राजा उत्तानपाद ने विचार करने के बाद देखा कि ध्रुव महाराज राज्य का भार संभालने के लिए पर्याप्त प्रौढ़ वयस्क हो चुके हैं और उनके मंत्री भी सहमत हैं तथा प्रजा भी उनसे प्रेम करती है, तो उन्होंने ध्रुव को इस लोक के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठा दिया। अपनी बढ़ती आयु और अपनी आत्मिक शांति के बारे में सोच विचार कर राजा उत्तानपाद ने संसार से वैराग्य ले लिया और जंगल में चले गए।